विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी की रवानगी के लिए पुलिस प्रशासन DDO प्रांगण में मुस्तैद रहा, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 9 विधानसभा है जिसके लिए DDO में अलग अलग स्टॉल बनाया गया है, जहां से पोलिंग पार्टी EVM मशीन सहित अन्य सामग्री ले रही है और उसके बाद बसों में पुलिस फोर्स के साथ बैठ करके अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रही है। उन्होंने कहा सभी पोलिंग पार्टियों को शाम तक मतदान बूथों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा बूथ नंबर 96, बूथ नंबर 25, बूथ नंबर 147, बूथ नंबर 91 91, बूथ नंबर 121, बूथ नंबर 278, बूथ नंबर 66, बूथ नंबर 165, बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 22, बूथ नंबर 207, बूथ नंबर 213, बूथ नंबर 216, बूथ नंबर 119, बूथ नंबर 385, बूथ नंबर 371, बूथ नंबर 68। ये बूथ संख्या 299 की पीठासीन अधिकारी ध्यान दें, उनकी पीटू यहाँ पर आ गई है, उनको बस में भेज रहे हैं। पीछे लेना।
अच्छा वो तब पीछे ले रहे हो। यही गाड़ी लाड लाड वाले खड़ी कर दिक्कत कर दिया देखिए, सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग सेंटर्स विश्वविद्यालय के विभिन्न बिल्डिंग्स में बनाए गए हैं, जहां से पीठासीन अधिकारी और उनके सहयोगी ईवीएम और अन्य चीज़ें ले रहे हैं। उसके बाद वो बसों में आप देख रहे हैं, बड़े मैदान में बसें पार्क हैं, यहां से पुलिस फोर्स भी उसमें बैठ करके और पार्टी रवाना हो रही है। अभी तक मुझे लगता है कि मैदान से 40% के आसपास लोग बसों में सवार होकर के पुलिस और पोलिंग पार्टियां जा चुकी हैं, शेष पहुंच गई हैं, इनको बारी बारी निकाला जा रहा है यहाँ से।